कहां पता नहीं के बाद डूबे लगल के डूब गई खत्म हो गई खत्म हो गई हमने के पेट के रोजी खत्म आधा चल गई डूब गई हां क्या गई काट पाऊं 1 रुपया नहीं कहना पहले अलग-अलग 50-60 वर्ष के ऊपर किए का नंबर आउ रे रोरो ये खेती होला का हां कौची खेती होला खेती होला धान अथी गेहूं तोरी धनिया लौका करैली अभी रोपाई रहे हां सब रोपल बा सब डूब गई समय से खेती करते आ रहे हैं और सोन नदी के जहाँ बालू का डीला होता है वहाँ पर महोदय बालू नहीं होता है मिट्टी युक्त बालू होता है तभी उपज होता है। अमियावर में और ठीक पीछे देख सकते हैं कि अमियावर का यही सोन नदी नदी है और ठीक सोन नदी में ही सोन के डीले पर यहाँ के किसान गरीब तबके के लोग खेती करते हैं। कहते हैं कि सोन नदी का बालू जो पीला सोना कहा जाता है कुछ लोगों के लिए जहाँ वरदान साबित हुआ है वहीं गरीब तबके के लोगों के लिए और खास करके मल्लाह जाति के लोगों के लिए यह अभिशाप साबित हुआ है। कारण बड़े ही गरीब तबके के लोग मछुआरे समाज के लोग मल्लाह समाज के लोग खेती करते हैं परवल पटल वगैरह खरबूजे की खेती वगैरह खेती होती रहती है। कारण मैं भी जानता हूं क्योंकि मैं भी इसी तटस्थीय क्षेत्र का इलाके का रहने वाला हूं। लेकिन जब से ये बालू घाट की बड़े पैमाने पर नीलामी हुई है जगह जगह बांध बांध करके पानी के धाराओं को मोड़ा जा रहा है और समस्या ये हो गई है कि कोसों दूर नाव के सहारे निजी नाव के सहारे जो मछुआरे समाज के लोग खेती करते थे डीला पर आज बेघर हो गए हैं बेकाम के हो गए हैं और लाखों की पूंजी जो उन्होंने लगाया था वो पानों में डूब गए हैं। 90 के दशक में सरकार का एक नियम भी था कि जो भी डीले पर खेती करते हैं उनके नाम के कागज जमीन भी कटते थे लगान भी कटता था पतेल काशी वगैरह भी कटता था। वैसे भी कुछ लोग यहाँ पे हैं जिनके बाप दादाओं का दखल दानी है उसमें उन लोग लगान भरते थे लेकिन पीछे के समय में वो लगान वगैरह नहीं भरते लेकिन उनके नाम पर भी आज भी जमीन है। तो क्यों नहीं सरकार जब डीला के पास में बांध बनवा रही है या बालू घाट के बालू बड़े पैमाने पर बालू रुकवाने के लिए जब बांध बांधा जा रहा है तो इन किसान मजदूर मछुआरे समाज के लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचा गया क्यों नहीं समझा गया। क्या एसी रूम में बैठ करके बड़े बड़े बालू माफिया या बड़े बड़े अधिकारी या पटना में बैठे बैठे बड़े बड़े नेता और मुख्यमंत्री क्या अपने बारे में सोचे या इन गरीबों के बारे में नहीं सोचे। अब देख सकते हैं जितने भी तमाम तबके के लोग होंगे महिलाएं होंगी वो बेहद ही गरीब तबके की है और इनका सोन नदी में मछली मारना और डीले पर खेती करना यही एक कार्य है। अपनी समस्याओं को लेकर के एक बैठक में थे और एक आंदोलन के प्रारूप तैयार कर रहे थे। हम जानेंगे और बात करेंगे कि कितने समय से इनके बाप दादाओं ने यहाँ पर मछली मारने और खेती करने के काम किया है और कितने आज ये बेघर महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? खेती करते हैं सोनडीला पर? क्या खेती है? हमने कह देखे सोन में खेती होता सोन आलू सरकोन आलू सरकोन छेमी। तो कितनी परेशानी हो रही है बांध मंदिर से? गहूम तोरी समस्या कितना हो गई वही तो हमें जी के वही हमारे खत्म होता जाब कहाँ बताएंगे डूबे लगल के डूब गई खत्म हो गई खत्म हो गई हमने पेट के रोजी खत्म आधा चल डूब गई हाँ 1 रुपया में नहीं कहना देखे वाला चीज बा क्या रुपये रहे आलू रहे सरकोन रहे छेनी रहे कितना नुकसान चल रहा है? हमारा पूरा खेत खत्म हो गए करीब 1 बीघा ले बेची रहे खेत सब पानी में हाँ पूरा तय करने का तू देख रहा जाएगा चीज बात 2 बीघा वो पटे गोहूम है तोरी है आपका भी खेती था क्या नाम है? मेरा नाम गुरुलाल चौधरी है। कोची रुपए लगे हो जाए हम रुपए 2 बीघा गेहूं रहे तोरी रहे देख रहा चीज भैया वही रोजगार है वही खत्म है मतलब जो भी साग सब्जी है वो हम रोकते हैं। आपका भी डूब गया? हाँ हमारा भी डूब गया है यानी डीला पर खेती करने लगे नहीं है? नहीं अब नहीं है सारा तो रहता था लेकिन अब नहीं है। जो पहले सारा हमारे दादा परदादा जो रोपते थे अब तो कब से बुजुर्गों ने रोपते आए हैं लेकिन हम लोग रोप रहे थे सब खत्म हो गया मतलब धीरे धीरे सब खत्म हो जा रहा है। और आपके खेत खलिहान के आसपास में है कि नहीं? जो है हमारा भरोसा है बस वही सोने में है वही में। क्या समस्या है? क्या परेशान बनी? सब समस्या यही बा हम के सोन नदी में कमाए के बा खाए के बा जिए खाए के बा वही हम के जिए खाए के बा वो हम ऊपर खेती बधा रहे हैं हमारे पटर ऊपर है हमारे तोरी ऊपर है आलू पर सब चीज सब चीज हम के रोपी नहीं जा बेहद बुजुर्ग महिला है लगभग 50-60 वर्ष की उम्र की का नंबर आउ रे रोरो खेती होला का कौची खेती होला खेती होला धान गेहूँ
तोरी धनिया लौका करैली अभी रोपाइल रहे। हाँ सब रोपल बा, सब डूब गई। डूब गई छेमी रहे दू बीघा में, एक बीघा में तोरी रहे, सब हमारे काट गई लगी थी, डूबियो गए काटियो करते हम जो माटियो कोड़ दिलन सब चल रहा है। हाँ बांध बने लग तो सब डूब गई लाके। अभी जो डीला है उस पे तो आधा मिट्टी और आधा बालू होता है। होता है ओकरो कोड़ दन जो। हाँ हम इतनी पतले ला सब कोड़ा दन जा। अभी कोड़ा तन जो में रोड बनल पड़ गई। हाँ कोड़ा तन जो हम ये मर्दाना के लेके हॉस्पिटल ही हमरा कालन जाता है जुनाई लिखे आलो जा वीडियो तो हम आई तब हमारा कुछ आधार नहीं की कम आदमी में लगाई। यही सरकार के कहे लगी आओ कौची कहीं एको कुछ हो ये दादा बात कर के बड़ा हाथ है ये लेके यार नहीं। जब डीला डूब गई काम के फुल रोड का खाना तब ना हमके बाल बच्चे कितना समस्या बच्चे का तेरा समस्या बा का बा ई काले बनी सर पे हे भाई सोने में जाए खाना वाले बनी। देखिए इन महिलाओं को अगर आप इन महिलाओं की पीड़ा समझ जाएंगे तो शायद वो जो दिल्ली में बैठे हैं बिहार में पटना में बैठे हैं उनकी आंखों से आंसू आ जाए। और देखिए इस बुजुर्ग महिला को सर पे खाना लेकर के खेत में ही जा रही है और जब इनको पता लगा कि पत्रकार महोदय आए हैं अपनी पीड़ा बताने के लिए आई हैं क्यों नहीं दिल पसीजता है उन लोगों को जो बैठे हुए हैं एसी में और लगातार इस रोहतास के बालू को कमाने का काम किया है और इन जैसे महिलाओं को सड़क पर लाने का काम किया है और कहते हैं कि गरीब का जब हाय लगता है ना तो वो लगता ही है कभी खाली नहीं जाता है। और इस महिला देखिए अपनी बातों को रखने के लिए आई हुई है। कब से और खेती होते रहे हुई जा बहुत दिन से दादा बाप खंडारी हो सब बजे डूब गए। हाँ डूब गए है जो हम तनी मनी हयो बना तो कहता कि हम कोड़ के बालू उठा ले बालू। हाँ एकदम साफ कहता कि हम उठा ले हम तो आज ही जब नियमे बन रही थी बालू घाट की नीलामी हो रही थी और कहते हैं कि अंदर में नापी करके लोग जाता है कई किलोमीटर तक उसके बाद ही बालू खनन का जो है दिया जाता है रिलीज किया जाता है तो क्या बालू घाट के अंदर में घुस करके सोन नदी में परिसीमन किया गया है या सिर्फ कागजों पर ही परिसीमन किया गया है ये भी जांच के विषय है। और खनन विभाग बालू जैसे अधिकारी जो होते हैं जो इसी देते हैं जो सर्टिफाइड करते हैं कि यहाँ बालू खनन होना चाहिए क्या ये भी खाना पूर्ति हुई है इसकी भी जाँच होनी चाहिए। और इन महिलाओं का जो बाप दादाओं के समय से खेती करते आ रहे हैं और सोन नदी के जहाँ बालू का डीला होता है वहाँ पर महोदय बालू नहीं होता है मिट्टी युक्त बालू होता है तभी उपज होता है सही बात है ना। खरबूजा और पूजा ओजना रूपा से हां हरा बालू आए अलुआ का पतिया जाए अरे माटी रही ना आ ऊपर बालू रही तो डाबू से बालू खान के आ निकाल के आ दर भर के आ वही में बिया तरबूजा रोपाई कितना परेशानी हो गई अब लोग भाई बाबू हमर का लग गए हूं आ पावले अलुआ मसूरी तोरी सब वही में सण गई जब बोले बात वही में लौका पकड़ी वही में बाबू सब हमर डुकल सब कोई मछुआरा समझ से मलाई बन गया सभी महिलाएं हैं और इनके बाप दादाओं ने कभी पूर्वजों ने सोन को अपना माना था और सोन को अपना समझ के ही वहां पर खेती बाड़ी शुरू किया था रहने योग बनाया था। और मैं बता दूं कि वो सोन का डीला काशी पतेल झाड़ झुकुर होता था और इनके बाप दादाओं ने अपने खून पसीने से उस जंगल झाड़ को साफ किया था उसके बाद वह खेती योग्य बना था सही है कि नहीं है। आप सुन सकते हैं भोजपुरी में कहते हैं कि झूठ वगैरह काट रहे थे हमको पता है इस चीज को कि वो सोन का डीला खेती युक्त नहीं था उसके बाद भी खेती करने के लिए इनके बाप दादाओं ने उसमें बनाया था तो काफी समस्याएं हैं और सोचना चाहिए यहाँ के अंचल अधिकारी को यहाँ के विभाग को एसडीओ को बीडीओ को कि अपने यहाँ से निरीक्षण करके इनको समस्या का निजात दिलाया जाए और कहीं न कहीं जो इनके इनका हक में है वो अपने को खेत समझते थे अपना घर समझते थे इनका रोजी रोटी को भी दिया जाए। कहने को तो मनरेगा जैसे कई योजनाएं भी चल रही है सिर्फ कागजों पर लेकिन धरातल पर कुछ और नहीं है और इसी को लेकर के मछुआरे समाज के साथ साथ कई गरीब तबके के लोग महिलाएं यहाँ भी अपने बात को रखने के लिए आई हुई है और इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आगे इनका क्या होगा
होगा, हमको पता है आगे कुछ नहीं होगा, ये महिलाएं चिल्लाती रहेंगी, छाती पीटती रहेंगी, और वो एसी में बैठ के लोग नोट गिनने में मशगूल होंगे, और रोहतास का बालू अन्य प्रदेशों में जाएगा और इन महिलाओं के हाथों में ठेंगा लगेगा। लेकिन ये महिलाएं चीखेंगी चिल्लाएंगी, पर सत्ता में बैठे वो दलाल इनकी बात नहीं सुनेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आज भी सड़कों पर लड़ने वाले लोग अब लोग के सबको अपनी परेशानियां है, और इसको लेकर के लाल झंडे के नीचे बहुत बड़ा प्रदर्शन भी होने वाला है, और इसी को रूपरेखा तैयार हो रही है। हम आगे भी देखेंगे और जानेंगे कि क्या अधिकारी के कानों तक जू रेंगती है, इनको डीला बचाने के लिए ये अनशन पे जाने वाले हैं, ऐसा इन्होंने बताया। तो कितने बड़ा यह रूपरेखा तैयार होगी, कितना बड़ा प्रदर्शन होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, और वक्त ये भी बताएगा कि क्या ये मछुआरे समाज के लोगों को इनका हक मिलेगा, या ये सड़क पर ये भटकते रहेंगे। आने लोगों से मैं बात भी कराऊंगा, और बात भी कराऊंगा कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ की रूपरेखा तैयार होगी, और लोग यहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर क्या करने वाले हैं। आप इसी गांव के रहने वाले हैं, और तमाम मछुआरे समाज के लोग सड़क पर उतर गए हैं, अपने डीला को बचाने के लिए क्या करेंगे आप लोग? इस डीला को जो कटा जा रहा है ठेकेदार के जरिए, इसको बचाने के लिए जितना संभव होगा वो किया जाएगा, अनिश्चितकालीन धरना भी किया जाएगा, सड़क पर प्रदर्शन भी किया जाएगा, लेकिन छोड़ा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, किसी काम को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे इसके जितना भी कुर्बानी देना होगा दिया जाएगा। महिलाओं ने बताया कि लाखों के फसल वहाँ पे डूब गए हैं पानी में, तो इनको तो बर्बाद हो गया पूंजी, अब ये लोग क्या करेंगे? रोड पाएंगे कहीं के नहीं रहेंगे, इसलिए आंदोलन दिया जा रहा है, 5 तारीख को धरना दिया जा रहा है, इनके बातों तक विधानसभा लोकसभा तक हम लोग पहुँचाएंगे, आंदोलन करेंगे, खड़ा हुआ कर बुर दिया बांध टूट करके कौन देगा। इस क्षेत्र से नोखा विधानसभा है, अनिता चौधरी जाती है, विधायिका है, और सांसद काराकाट के महाबली सिंह है, इनको भी संज्ञान में लेना चाहिए, और मछुआरे समाज के लोगों को सदा सड़क चले के सदन तक बातों रखना चाहिए, ताकि इनको न्याय मिले। हम लोग सीओ साहब से मिले थे, सीओ साहब से भी मिले थे, और खनन के पदाधिकारियों को यह अवगत कराया गया है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ठीक है, किस घाट पर हो रहा है, हम लोग सभी घाट पर हो रहा है, तो हम लोग को घाटदार से कोई द्वेष है नहीं या नफरत है नहीं, हमें अपनी मांग रखना है। तो हम लोगों ने कहा कि आप एक बार दिखवा लीजिए, या उनको यही नहीं पता है कि सोन में खेती कैसे होता है, उनको कहना है कि सोन में खेती कैसे होता है, नई सीओ आई है उनको पता नहीं है। हम लोग जो पदाधिकारी हैं जिनको संज्ञान में नहीं हो, और शायद यह कट रहा हो, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग मनमाने ढंग से काट रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो पदाधिकारी स्पष्ट करे कि हाँ हमने निर्देश दिया है, या सरकार ने निर्देश दिया है कि खेती जो सोन में होती थी वो अब नहीं होगी, वो कागज हम लोगों को एक बार दिखा। मैं बता दूं कि खबरें बनी थी प्रिंट मीडिया में, वहाँ के एक पत्रकार ने फोटो खींच करके एसडीएम साहब से जवाब मांगा था कि बांध बांधा जा रहा है और फसलें बर्बाद हो रही है, तो उनका कहना है कि आप लोकेशन वाला वीडियो फोटो भेजिए, तो पत्रकार जाएगा वहाँ पर वीडियो फोटो भेजने के अधिकारी जाएंगे आपके। इसीलिए यह आक्रोश नासरीगंज ब्लॉक में हम लोगों को 5 तारीख के धरने के माध्यम से दिखेगा, और आज भी हम लोग डीएम साहब के पास जा रहे हैं, और आप पत्रकार महोदय आपसे माध्यम से हम लोग सरकार तक कहेंगे कि अगर कल ही आज ही यह डिसीजन हो जाए तो सब लोग हम लोग अपने अपने घर खाएंगे खेलेंगे, कोई किसी को मतलब नहीं है, इतने सालों से बालू खनन हो रहा है, किसी को दिक्कत नहीं था, इस बार से थोड़ा सा अधिक उठाने के लिए पीड़ा है, आप ही की बात सो रही है, तो बोला ना, बोला बोलो जब हम जा रहे हैं उधर, ठीक है, झगड़ा करके केस कर दिया हम, कर दिया हाँ, बारून के एगो है, बारून की हाँ, बारून की अमित में है, केस किया, ये कंप्लेन कर रहे हाँ, ना बोले नहीं थे हम लोग, जैसे डीला डूब गया जाके कंप्लेन किए, उसमें ना हो जाता बागता हाथा भाई हो गया उसमें केस कर दिया है, करवाया हम कलम निकले ले आ नहीं रहे, वो ऑपरेटर आके चला रहा था, कौन सा मांग लेना, ठेकेदार है, नंबर घाट ठेकेदार नहीं है, ऑपरेटर है, ऑपरेटर वो कैसे खेत कोड़ा का ना, तो उसी बोले हैं रात के आई लेके मशीन सब लसन के कवर के बांध पर रख दिया। ये जो है अधिकारियों को, तमाम पदाधिकारियों को सोचना और समझना है, ये गरीब तबके का व्यक्ति
जो खेती करता है हाथों में खनन करके, ये झगड़ा नहीं कर सकते हैं। और जब किसी का फसल का नुकसान होगा तो लाजमी बात है, कहते हैं किसान जो है अपने फसलों को अपने बेटा के समान पालता है, अपने पुत्र की तरह उसको उपजाता है, और जब किसी का बेटा और पुत्र मरेगा तो स्वाभाविक है वो झगड़ा करेगा ही। परंतु ऐसे व्यक्तियों के पास केस होती है तो थाना अध्यक्ष महोदय को सोचना चाहिए कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों को जांच करें, उसके बाद ही प्राथमिकी दर्ज कर क्या करें। एक गांव नहीं है, अगर नासरीगंज प्रखंड में कहें तो ये परूड़ी से शुरू हो रहा है, परूड़ी सबदला बांध बांधने और खनन के समझ लीजिए कि पूरा रोहतास जिला औरंगाबाद जिला का जो भूमिहीन है, इसके पास कोई जमीन नहीं, कोई सवाल भी नहीं है, सब लोग वहाँ पर भारी साफ साफ बालू खनन के नाम पर क्या कागज है नहीं है कोई पता नहीं है। पर अधिकारी स्पष्ट करें कि हमें खेती करना है कि नहीं करना है, क्योंकि हम व्यक्तिगत तौर से ठेकेदार से उलझे लिए, किसी पर केस होगा, कोई जान से मारा जाएगा, ये उचित नहीं है। कहते हैं कि एक दुखिया के बाद दुखिया ही समझ सकता है, और इसी सोन नदी के तट पर हम लोग भी पले बढ़े हैं, हमको पता है कितनी मेहनत करके ये मताए पहले खेती करती है। तो देखते हैं खबर बनने के बाद और चलने के बाद क्या अधिकारी इस पे संज्ञान लेते हैं। हम आने यहाँ के जनप्रतिनिधि और नेताओं से बात करेंगे, उनके द्वारा इनके खेतों को बचाने के लिए, फसलों को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है, या यूं ही हाथों पर हाथ करके यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ के नेता बैठे हुए हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे, अगले वीडियो में मिलेंगे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि गरीबों की आवाज अधिकारियों तक पहुँचे और ये मामला संज्ञान मिले। जय हिंद जय भारत।